अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल फूडीज किचन बाय सिद्रा। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू और कीमे के पराठे। तो जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, क्योंकि सिर्फ सब्सक्रिप्शन इज़ नॉट इनफ, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना पड़ेगा। दो उबले हुए आलू चाहिए हम लोगों को, दो चाय के चम्मच धनिया पाउडर, ज़ीरा, अजवाइन और काले मिर्च हम लोगों को चाहिए एक चाय का चम्मच, 1/2 चाय का चम्मच हम लोगों को लाल मिर्च चाहिए, नमक हसबे ज़रूरत और कटा हुआ धनिया या पिसा हुआ धनिया हम लोगों को चाहिए 1 खाने का चम्मच, 1 हरी मिर्च कुटी हुई चाहिए, आधी प्याली कीमा लेंगे और आधी प्याली हम लोग या एक दरमियाने साइज़ की चॉप्ड अनियन प्याज ले लेनी है हमने। आलू को मैश करके सबसे पहले हम सारे इंग्रेडिएंट्स को साथ मिक्स करके यकजान करके मिक्सचर बना लेंगे। इस तरह से हमने सारा जो है वो यकजान कर लिया है। आटा गूंद के मैंने उसके छोटे छोटे पेरे बना लिए। इस तरह से एक पेरे को हम लोग थोड़ा सा बेलेंगे और उसके ऊपर मैं मसाला डालती हूँ, ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। इसी तरह दूसरे छोटे पेड़ को भी बेल के हमने इसको कवर कर लेना है अच्छे से, इसकी साइडें प्रेस कर देंगे ऊपर रख के इसको। लेकिन ऊपर रखने से पहले इसमें हम थोड़ा सा मक्खन शामिल करेंगे। मक्खन डाल के इसको हमने बेल लेना है। तवा गर्म हो चुका है वे, थोड़ा सा मक्खन डालेंगे। साइड इसकी टर्न कर देते हैं, दूसरी साइड को थोड़ा सा कुक करते ही हम दोबारा से साइड चेंज कर लेंगे। इसकी थोड़ा सा कुक करना है हम लोगों को, बस इतना। अब इस पे मैं मक्खन लगा दूंगी। कुक हो चुका है वही, थोड़ा सा यहाँ से मैं इसको मज़ीद करूँगी। तो
तो व्यूवर्स, पराठा हमारा बन के रेडी हो चुका है। आप इसको दही और अचार के साथ, लस्सी के साथ इंजॉय करें। मुझे बताएं आपका पराठा कैसा बना है, अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। हाज़िर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। Thank you.